होली की छुट्टी की जस्ट बाद ये गाड़ी है, ये ब्लैक कलर की क्रेटा। इसकी हालत पे फिलहाल अभी मत जाइए क्योंकि अभी काफ़ी गंदी होकर रखी हुई है। इस कार को हमको पूरा एंटायरली ब्लैक एडिशन बनाना है। फॉर दिस वर्कमैनशिप। अब ये कार चूंकि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, एकदम ब्रांड न्यू बन चुकी है, सेरेमिक कोटिंग है, एवरीथिंग हैज बीन डन, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं कार को डिलीवर करूं तो एक सेरेमोनियल डिलीवरी करूं, सो दैट कस्टमर को भी फील होगा कि नहीं ब्रांड न्यू कार यहां से कार 360 से लेके। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कर्सर के एक क्लिक, सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक क्लिक है, बट वो एक क्लिक जो है वो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ेगा, एट द सेम टाइम हमारा जो काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काम हर काम आप तक पहुँचता रहेगा, क्योंकि मैं हमारे काम जितनी बार आप तक पहुंचेंगे, हो सकता है कभी हम कुछ गलत कर रहे हैं, हो सकता है कभी हम सही कर रहे हो, तो जब गलत कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करेंगे तो हमें खुद को ठीक करने का मौका मिलेगा, और अगर कुछ सही हो रहा है तो वी विल टेक इट एज एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच, देखते हैं आगे वीडियो में कैसे काम होता है एंड फिनिश गाड़ी की क्या आती है। छत्तीसगढ़ में कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, वहाँ एक दिन या दो दिन की छुट्टी नहीं होती। छुट्टी जो है वो कम से कम 5 से 6 दिन चलती है। आज मंडे के दिन अब जैसे ही ऑफिस आए हूँ तो देख रहा हूँ दो नए तोहफे मेरे लिए आके रखे हुए हैं। पहला तोहफा ये हुंडई क्रेटा, जिसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ नहीं मतलब काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशन करनी है। दूसरी गाड़ी एक और है, उसके बारे में अंदर जाके दिखाऊंगा, पहले इस गाड़ी के बारे में बात कर लूँ। होली के दिन, ये होली की छुट्टी के जस्ट बाद ये गाड़ी है, ये ब्लैक कलर की क्रेटा। इसकी हालत पे फिलहाल अभी मत जाइए क्योंकि अभी काफ़ी गंदी होकर रखी हुई है। इस कार को हमको पूरा एंटायरली ब्लैक एडिशन बनाना है। इसमें और भी चेंजेस होने वाले इन टाइप्स ऑफ अलॉय व्हील्स, टायर अपसाइज, फ्रंट ग्रिल एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। एट द सेम टाइम पूरा ब्लैक एडिशन बनने वाला है। बट हाँ, थोड़ा चैलेंजेस है क्योंकि गाड़ी में काफ़ी जगह डेंट्स हैं, बम्पर ब्रैकेट्स निकले हुए हैं, बट हाँ इतने बड़े चैलेंज भी नहीं क्योंकि ये सब काम हमारे लिए रेगुलर करते रहते हैं। तो जब ये काम होगा आगे आपको नज़र आता जाएगा कैसे कैसे काम हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार में, मतलब साइड प्रोफाइल में आप देखोगे यहाँ पे डोर में आपको डेंट नज़र आएगा, डेंट भी है, स्क्रैचेस भी है। एट द सेम टाइम और आगे बढ़ते हैं इतना कुछ फेंडर में कुछ नहीं है, बम्पर में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं। हाँ, ओ बम्पर में यहाँ पे आपके स्क्रैचेस आके रखे हुए हैं, एंड ये ग्रिल भी जो है क्रोम सिल्वर वाली, इसमें भी स्क्रैचेस आके रखे हुए हैं। सो नाउ इधर भी स्क्रैचेस हैं आपके। ऑल इन ऑल पूरी गाड़ी का यही काम करना है हमको, ब्लैक एडिशन बन के तैयार होगी एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी और कस्टमर को भी बहुत अच्छी लगेगी, ये भी मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। काम होने के बाद मैं प्रीटी श्योर हूँ कि गाड़ी कस्टमर को बहुत अच्छी लगेगी। मेरे को ये नहीं पता कि इस वीडियो के कितने व्यूज़ आएंगे, बट मैं एक चीज़ के बारे में श्योर हूँ कि कस्टमर अपनी गाड़ी जब रेडी होकर देखेगा तो कस्टमर मिनिमम हमें 5 स्टार्स गूगल रिव्यू देगा, दैट्स फॉर श्योर। Yeah.
R16 के टायर्स आ रहे हैं, तो जिसको हमने अपसाइज करके R17 किया। इसमें पहले जो टायर लगे थे वो 205/60 R16 के साइज सेक्शन के टायर लगे हुए थे, अब हमने इसमें योकोहामा अर्थ वन सीरीज के 225/60 R17 साइज के टायर्स लगाए हैं। सो अब 16 इंच से 17 इंच की गाड़ी हो चुकी है। टायर का अपसाइज हो जाने से टायर की जो चौड़ाई हुई है जो थोड़ी सी बहुत माइनरली बाहर निकल के रखी है, उसके कारण भी कार में बहुत अच्छी स्पोर्टी लुक आ रही है। कार का अभी आप पूरा वॉक अराउंड वीडियो देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर यू गोइंग टू लव द कार बिकॉज दिस ब्लैक अवतार राइट फ्रॉम फ्रंट टिल टू द एंड इन एवरी कॉर्नर इट्स लुकिंग फैबुलस। इवन जो अलॉय की डिज़ाइन भी जो कस्टमर ने सेलेक्ट करी, दैट इज ऑल्सो ब्लैक कलर मैट्रिक्स एडिशन फ्रॉम नियो व्हील्स 17, इट इज ऑल्सो एडिंग कहते हैं ना और स्वीटनेस और खूबसूरती बढ़ा दे रही है कार की। सो आई एम प्रीटी श्योर कस्टमर को बहुत अच्छी लगने वाली है, आपको भी बहुत अच्छी लगने वाली है। आई कैन गारंटी आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूज आई एम टू गेट आउट ऑफ दिस वीडियो, बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट 5 स्टार्स इन गूगल रेटिंग फॉर दिस वर्कमैनशिप। अब ये कार चूंकि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, एकदम ब्रांड न्यू बन चुकी है, सेरेमिक कोटिंग एवरीथिंग हैज बीन डन, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं कार को डिलीवर करूं तो एक सेरेमोनियल डिलीवरी करूं, सो दैट कस्टमर को फील लगे कि ब्रांड न्यू कार यहां से कार 360 से लेके जा रहा है। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड व्हाट कस्टमर इज गोइंग टू फील अबाउट द सेरेमोनियल पार्ट। सो बढ़ते हैं आगे वॉक अराउंड वीडियो की तरफ, बट लास्ट नॉट द लीस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हम हर छोटे काम बड़े काम वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में हर हमारी एक टीम की एक मेहनत लगती है, उस मेहनत के लिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना इज जस्ट वन क्लिक अवे, आपकी एक क्लिक से मेरा यूट्यूब परिवार बढ़ेगा। एट द सेम टाइम आप ऑल नोटिफिकेशन अगर अलाउ करते जितने भी वीडियोज मैं पोस्ट करूँ सारे वीडियोज आप तक पहुँच पाएँ, वो सारे वीडियोज पहुँचने के बाद कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट डाउन करो आप कि कैसे और फ्यूचर में आप वीडियोज देखना चाहते हैं, अभी जो हम वीडियोज बना रहे हैं आपको कैसे लगे, हमारी वर्कमैनशिप कैसे लगी और बेहतरी के लिए हमारे पास क्या चांसेस है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आपका हर एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि खाली कमेंट के बिना जब कोई कमेंट ही नहीं आता तो लगता है कि सिर्फ हम हवा में ही बात कर रहे हैं और कोई देख ही नहीं रहा है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप वीडियो देखेंगे कमेंट करेंगे, थैंक यू सो मच।